अगर हम यहाँ पे 150 लोग इकट्ठे होंगे, 200 लोग इकट्ठे होंगे और हम सोचेंगे उस ताकत का मुकाबला कर लेंगे, तो वो संभव नहीं है। 2000 साल से या पता नहीं कितने सालों से वो ताकतें हमारे ऊपर राज कर रही हैं। बीच बीच में हमारा अच्छा वक्त आया, संघर्ष हुआ, लेकिन कुल मिलाकर के लगातार 2000 वर्षों से उन ताकतों ने राज किया है इस देश में। और कुछ लोग कहते हैं कि 800 साल मुसलमानों का राज रहा, मैं इस बात को नहीं मानता। चाहे वो मुगल आए या दूसरी किस्म के मुसलमान आए, जो इस देश पे बादशाह बने, लेकिन वो गरीब के साथ नहीं थे। यहाँ पे शासन करते हुए वो मुसलमान बादशाह भी यहाँ के जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था वाले लोग थे, जो मनुवादी व्यवस्था वाले लोग थे, उनके साथ उन्होंने साठ गांठ कर ली और दलित और पिछड़ों की जो हालत पहले चल रही थी वही मुगलकालीन शासन में चली और वही अब बाद में चल रही है। तो असली बात यह है कि बरसों से, सैकड़ों बरसों से हमारी माताओं बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है। हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे 2 रुपए की ऑक्सीजन की कमी के चलते गोरखपुर में मारे गए। हमारे छोटे छोटे बच्चे बिहार में, उनका इलाज नहीं हो पा रहा, 100-200 रुपए की दवाई चाहिए होती है, अस्पताल में अवेलेबल नहीं, मैंने डॉक्टर को कहते सुना, बच्चे मारे जा रहे हैं। आपके जो हक थे दलितों और पिछड़ों को, जो बाबा साहब ने संविधान में लिखे, एक एक करके वो हक मारे जा रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी का एक सांसद है, वो बार बार कहता है कि हम आरक्षण को खत्म नहीं करेंगे, लेकिन इतना बेकार बना देंगे कि ये आरक्षण किसी लायक नहीं रहेगा। और निजीकरण के जरिए और दूसरे तरीकों से अभी पता नहीं 50 या 60 जो IAS की भर्ती हुई है लेटरल, इस तरीकों से आपके आरक्षण को, आपकी भागीदारी को, आपके प्रतिनिधित्व को भी खत्म किया जा रहा है। तो मुद्दा बहुत गंभीर है और केवल चंद लोगों के भाषण देने से या अपने मोबाइल पे, फेसबुक पे या ट्विटर पे लिख देने से बात बनेगी नहीं। उससे पहले एक दो वक्ताओं ने बोला, चले गए वो लोग, उन्होंने बोला कि अगर संघ जो है, अगर उसका मुकाबला करना है तो हमें भी एक संगठन बनाना पड़ेगा। जो RSS की आइडियोलॉजी है वो सिर्फ फेसबुक या ट्विटर से हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, ना ही इस किस्म के धरने प्रदर्शनों से हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। हमें उसके मुकाबले का संगठन बनाना पड़ेगा। और राजनीतिक शास्त्र का सिद्धांत है, जो भी लोग राजनीति शास्त्र को पढ़े हैं BA में, MA में, उनसे पूछ लीजिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन इज पावर। संगठन में शक्ति होती है, ताकत होती है। 15 अगर लोग संगठित हैं और 85 आपस में बटे हुए हैं तो वो 15 उन 85 पे राज करेंगे। ये राजनीतिक शास्त्र का नियम है। हम 85 को एक होना पड़ेगा, लेकिन 85 को एक होने के लिए हमें बड़ा मन करना पड़ेगा, बड़ा मन करना पड़ेगा। क्योंकि आज के टाइम में कोई कहता है मैं यादव हूं, जो अपने आप को यादव कहता है वो नारा लगाता है जय यादव जय माधव, माधव यानी श्री कृष्ण, और वो लगाएगा। अगर रातों रात आप उसको कह दोगे कि आज आप हमारे कार्यक्रम में आओ और कृष्ण को मानना छोड़ दो, वो नहीं छोड़ेगा। हमें एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, हमें 5 पॉइंट 10 पॉइंट पे मिलना पड़ेगा कि ये हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, इन मुद्दों पे हम सहमत हैं। जो बाबा साहब को मानते हैं वो बाबा साहब को मानेंगे, जो कृष्ण जी को मानते हैं वो कृष्ण जी को मानेंगे, जो किसी और भगवान को मानते हैं वो मानेंगे, लेकिन असली मकसद ये होना चाहिए कि बहुजनों को एक करें, हम 85% को एक करें। माननीय काशीराम जी ने ये काम करने की कोशिश की थी कि तमाम EBC OBC और दलित लोगों को एक करने का उन्होंने चलाया था जनजागरण प्रोग्राम, और उसी तरह से होगा। हमें जागरण जत्थे बनाने पड़ेंगे जो गांव-गांव में जाएं और जागरूकता फैलाएं। हमें कैडर कैंप लगाने पड़ेंगे। आज क्या हो रहा है कि हम कह रहे हैं तबरेज की हत्या कर दी, किसने तबरेज की हत्या की? तबरेज की हत्या एक पप्पू मंडल नाम के आदमी ने की, जो कि मुख्य आरोपी है। और मुझे पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन जो सोशल मीडिया के द्वारा मेरे को जानकारी मिली है, पप्पू मंडल एक OBC जमात से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति है।
राजस्थान में एक मुस्लिम भाई को जिंदा जला दिया गया, उसको जलाने वाला एक दलित वर्ग का आदमी था। तो अगर हमारे ही आदमी जो लोग उनका खून चूस रहे उन आदमियों के साथ जाकर के खड़े हो जाएंगे तो ये लड़ाई नहीं हो पाएगी। एक शायर ने कहीं कहा था कि फुटपाथ पे पड़ा था, दलित होगा, पिछड़ा होगा, आदिवासी होगा, कि फुटपाथ पर पड़ा था वो भूख से मरा था, कपड़ा उठा के देखा तो पेट पे लिखा था जय श्री राम। साथियों, सबसे बड़ी जरूरत जो है वो इस बात की है कि हम अपने दलितों, पिछड़ों को गांव गांव में जाकर के, गली गली में जाकर के, घरों में जाकर के, घरों की छत पे छोटी छोटी मीटिंगें करके एक बड़ा संगठन बनाएं और उस संगठन के द्वारा ही इन मनुवादी ताकतों का मुकाबला हो सकता है, वरना हम कभी जीत नहीं पाएंगे। इस तरह की हत्याएं होती रहेंगी, बच्चे मरते रहेंगे, ईवीएम से सरकारें बनती रहेंगी, हम जंतर मंतर पर आते रहेंगे, अपना रोना रोते रहेंगे, और ये सब हमारे बाप दादा के ज़माने में भी चला, उनके बाप दादा के ज़माने में चला, और हमारे आगे वाली पीढ़ियों में भी यही चलता रहेगा। हमें बाबा साहब ने 1923 में एक समता सैनिक दल बनाया था। आज मेरे को कुछ लोग बता रहे थे कि कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, शायद दिल्ली में 5 या 7 या 8 या 10 जगह उनकी शाखाएं लगती हैं। तो हमें अपना एक संगठन, बहुजन का संगठन बनाना पड़ेगा, बिना संगठन के कुछ होने वाला नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मंत्री जी का, जो आए यहाँ पे, हमारे भाई सूरज मंडल जी, हमारे रतन लाल जी, तमाम लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, कि आपने एक शुरुआत की है, आपने एक मशाल जलाने की कोशिश की है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।